वहीं आज से लोक आस्था का पर्व छठ शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ठीक उससे पहले दिल्ली की यमुना की बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। दिल्ली में यमुना में इस वक्त जहरीले झाग के तौर पर काफी, आप देख सकते हैं, बड़ा इलाका है जो इस पानी में झाग तैरता हुआ नजर आ रहा है, जो केमिकल है और बहुत ही जहरीला है। वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक 22 किलोमीटर के इलाके में यमुना में हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण दिख रहा है। घाटों की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब देखी जा रही है। कालिंदी कुंज में यमुना में फैले जहरीले झाग के खत्म करने के लिए केजरीवाल सरकार एक और खतरनाक केमिकल यमुना में मिलाने जा रही है। सरकार ने यमुना में सिलिकॉन डिफॉर्मर नाम के केमिकल से झाग को खत्म करने का प्लान तैयार किया है, जो इंसानी जिंदगी के लिए बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में लोग इस खतरनाक केमिकल में सूर्य के अर्घ्य देने पर मजबूर होंगे। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में घाटों के किनारे अभी भी कूड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि अर्घ्य से पहले ही घाटों को साफ कर दिया जाएगा। दिल्ली की हवा के बाद पानी भी हुआ खराब। छठ पूजा पर यमुना में तैर रहा जहरीला झाग। सफाई के दावे हजार, नतीजा जीरो। जहरीले झाग में खड़े होकर देना होगा सूर्यदेव को अर्घ्य। दिल्ली में दिवाली के बाद वायु प्रदूषण के साथ अब जल प्रदूषण भी तेजी से फैल रहा है। पटाखों और पराली से बढ़े प्रदूषण से लोगों को अभी निजात भी नहीं मिल पाई थी कि लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी प्रदूषण की मार पड़ गई। राजधानी दिल्ली में वजीराबाद से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना में जहरीला सफेद झाग तैर रहा है। छठ पर्व से पहले ये तस्वीरें हर श्रद्धालु के मन में खौफ पैदा कर रही है। कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी में तैरता यह जहरीला झाग इंसानी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक है, इसके बारे में सोचकर ही लोग सिहर उठते हैं। सफाई होना चाहिए, इतना बड़ा त्योहार है, हम लोग कैसे हाथ उठाएंगे, कैसे नहाएंगे इसमें। गंदे है तो क्या कर सकते हैं, अब तो मजबूर में नहाना ही पड़ेगा सर, क्या करेंगे। इतनी यमुना जी गंदा है, फिर मजबूर में हम लोग पर्व के प्रसाद भी बनाते हैं इसी जल से प्रसाद भी बना लेते हैं। पर अब क्या करें, अभी सब बनाना ही पड़ता है, मजबूरी जिसको कहते हैं। फिर इस बार आने देंगे कि नहीं आने देंगे ये तो केजरीवाल ही जाने, क्योंकि पार्क में गड्ढा खोद देते हैं पिछली साल से, उसी में खड़े होते हैं, फिर उसी में हम लोग। अच्छा, घाट का क्या हाल है? घाट में एक बकरी मर गई है, गाय का बच्चा मरा हुआ है, इसी में हम लोग स्नान करें, अब स्नान करके जाएंगे। राजधानी दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर लोग छठ पर्व मनाते हैं, लेकिन यमुना की गंदगी देखकर वो डर जाते हैं। सरकारी दावों में यमुना काफी साफ है, अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर यमुना कितनी साफ है। 1370 किलोमीटर की यमुना नदी दिल्ली में 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यमुना नदी का मात्र 2% हिस्सा ही दिल्ली से होकर गुजरता है, लेकिन 80% यमुना सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में मैली हो जाती है। यमुना नदी में सबसे ज्यादा जहर वजीराबाद से ओखला के बीच घुल जाता है। दिल्ली में यमुना को दूषित करने में 70% जिम्मेदार नजफगढ़ नाला है। दिल्ली को राज्य बनने 27 साल बीत चुके हैं। इस दौरान कई वादे किए गए, कई टाइमलाइन बनाई गई, 3-3 एक्शन प्लान बनाए गए, 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्च भी हुए, लेकिन फिर भी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना का 22 किलोमीटर का हिस्सा आज भी हर दिन घुटता और मरता दिखाई दे रहा है। दिल्ली की सरकारों ने 1993 से यमुना की सफाई के लिए कुल 5,400 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं केजरीवाल सरकार ने 2015 से अब तक 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला ये आप खुद ही देख लीजिए। हालांकि दिल्ली की सत्ता में काबिज सीएम अरविंद केजरीवाल 2015 से आज तक लोगों से यमुना सफाई के लिए 5 साल मांग रहे हैं। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है, यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गाँव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। यमुना को साफ किया जाएगा
और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। ये 5 साल कब पूरे होंगे ये आज तक केजरीवाल नहीं बता पाए। मौका छठ पर्व का है। दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार की बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को अपने वोट बैंक की भी चिंता है, इसलिए सरकार ने अपनी चिंता में लोगों को चिता पर लिटाने की तैयारी कर दी है। सरकार ने यमुना को साफ करने की बजाय लोगों को साफ करने का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने यमुना में सिलिकॉन डिफॉर्मर नाम के केमिकल से झाग को खत्म करने का प्लान तैयार किया है, जो इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक है। सबसे पहले ये बड़ी टंकी देखिए, और इसको कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे से। कोशिश ये है कि इसमें पानी भर के उसमें केमिकल मिलाया जाएगा और उस केमिकल का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कम से कम झाग ना दिखे। सबसे पहले आप बड़े बड़े टैंक्स को देख सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें पानी के साथ केमिकल मिलाया जाए, और केमिकल कौन सा है ये देखिए, ये सिलिकॉन डिफॉर्मर है, और इसको मिलाने के बाद छिड़काव किया जाएगा यमुना नदी में, जिसके बाद झाग नहीं बनेगा। और टेलीविजन पे जो दिखता है कि यमुना में हर जगह झाग नजर आ रहा है, यमुना कितनी गंदी है, कम से कम वो नहीं दिखेगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अगर सिलिकॉन डिफॉर्मर का इस्तेमाल किया जा रहा है यमुना के अंदर, और जो लोग इस यमुना नदी में आएंगे, घंटों खड़े रहेंगे, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, उनके स्किन पे इसका असर हो सकता है, उनके हेल्थ पे उसका असर हो सकता है। लेकिन इसको ध्यान में न रखते हुए सरकार की कोशिश ये है कि इन नावों के जरिए इसका छिड़काव किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा इन केमिकल्स का इंतजाम किया गया है, और ये बोट जो देख सकते हैं ये फ्लड डिपार्टमेंट की बोट है। इस बोट के जरिए छिड़काव किया जाएगा। सभी टैंक्स को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, और पाइप के जरिए इस बोट पे बैठे हुआ व्यक्ति जहां कहीं भी आपको ये झाग आते हुए नजर आएगा, वहां पे छिड़काव किया जाएगा, जिससे कम से कम जब मीडिया की टीम पहुंचे यहां पे तो झाग नजर नहीं आए। बेशक यमुना का पानी कितना भी गंदा हो जाए, बेशक उस पानी में खड़े हुए लोग जो है वो बीमार पड़ जाए, लेकिन कम से कम सरकार के इमेज पे इसका असर न हो, इसलिए गंदी यमुना में और केमिकल डालने की एक कोशिश भर की जा रही है। केजरीवाल सरकार के इस यमुना क्लीन अभियान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। तो ये तो बहुत ही दुखद बात है, अरविंद केजरीवाल आप जहां भी हो आप इस सच्चाई को देखो, ये क्या कर रहे हो। जहर को दिखे ना, इसलिए आप डबल जहर फैला रहे हैं केमिकल का। ये तो आप दिल्ली के साथ बहुत बड़ा पाप किया है, और ये लीगल ऑफेंस है। आप एक जहरीला केमिकल डालेंगे, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। मुझे लगता है दिल्ली के लोग ये देखें, इंडिया टीवी पे लोग देख रहे हैं, मैं हैरान हूँ। ये सच्चाई तो हमको पता ही नहीं था, हम तो झाग को सुन करके आए थे कि केमिकल अमोनिया फास्फोरस चल रहा है, उसको मिटाने के लिए कि दिखे ना कैमरा पर ये केमिकल डालना, ये बहुत बड़ा अपराध है, और इस अपराध के लिए हमें FIR तक जाना पड़ेगा। दिल्ली में यमुना की खराब हालत केवल कालिंदी कुंज में नहीं है, कश्मीरी गेट, वजीराबाद समेत दूसरे घाटों का भी यही हाल है। दिल्ली के ज्यादातर घाटों पर इसी तरह की गंदगी है। दिल्ली में करीब 30 लाख से ज्यादा बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं। ये लोग छठ पर्व पर यमुना के किनारे पूजा करेंगे। केजरीवाल सरकार यमुना को साफ तो नहीं करवा पाई, इसलिए अब आखिरी वक्त में घाटों को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में लगभग 92 नाले हैं जो सीधे यमुना में खुलते हैं, जिनमें से 62 ऐसे नाले हैं जहां किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। इस लापरवाही का ही नतीजा है कि बारिश के 3 महीने छोड़कर साल के 9 महीने यमुना दिल्ली में जहर को ढोती रहती है। अगर आप इस तरीके के पानी में आकर स्नान करते हैं तो आपको कई तरीके की बीमारियां भी उसमें लग सकती हैं। कई महिलाओं ने जब छठ पूजा परफॉर्म की है पिछले कई सालों में, तो उनका ये शिकायत रही है कि इस तरीके के पानी में स्नान करना, अर्घ देना उनकी मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली में और ऐसी कोई नदी नहीं है जहां पर वो जाकर इस तरीके की पूजा कर पाए। आपको आसपास किनारे में दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर पूरी गंदगी फैली हुई है। इसे हालांकि साफ किया जा रहा है, किनारों से अब पूरी गंदगी जो है उसको हटाया जा रहा है। कचरा उठाने वाली तमाम गाड़ियां यहां
पर आ रही हैं, लेकिन इस तरीके का ख्याल आखिर पूरे साल क्यों नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा के वक्त पे ही ऐसी साफ सफाई क्यों की जा रही है। आप आसपास देखें कि किस तरीके से ये जो पूरा कचरा यहाँ से निकला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा का सामान नहीं बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि चाहे वो प्लास्टिक हो, खासतौर पर प्लास्टिक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है नदी के पानी को, क्योंकि जितना ज्यादा प्लास्टिक एक नॉन रियूजेबल चीज है जिसे आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो कई साल तक यमुना के पानी को नुकसान पहुंचाता रहता है। नदी और उनके किनारे बने घाटों की खस्ता हालत केवल राजधानी दिल्ली में ही नहीं है, दिल्ली से 1051 किलोमीटर दूर पटना में भी कुछ ऐसा ही हाल है। पटना में कुछ दिनों पहले छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार घाट पर ही गिर पड़े। बाद में जांच हुई तो पता चला कि पटना में गंगा किनारे बने 16 घाट बेहद खतरनाक हैं, इसलिए इस बार इन घाटों पर छठ पर्व नहीं होगा। पटना में छठ को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गंगा नदी के किनारे घाटों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, काफी कम वक्त बचा है और ऐसे में आप देखिए बड़े स्तर पर जोर शोर से यहां पर तैयारियां की जा रही हैं और जो नावें जा रही हैं उस पर छठ का गीत भी बज रहा है, तो छठ का माहौल कह सकते हैं शुरू हो गया है। और जो घाट के किनारे जो दलदल की स्थिति आ गई थी उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक पटना में गंगा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था और जब अब जलस्तर में कमी आई है तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है। हालांकि यहाँ सीढ़ी है, इस वजह से मिट्टी हटाने से यहाँ पर छठ पूजा किया जा सकता है, लेकिन कई घाट ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल दलदल की स्थिति हो गई है, वहाँ छठ का आयोजन नहीं हो पा रहा है और ऐसे घाटों को खतरनाक घाट घोषित कर दिया गया है। पटना में जो घाट हैं सभी एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लगातार एक के बाद एक घाट हैं, तो जो घाट बेहतर हैं जहाँ पूजा की जा सकती है, अर्घ दिया जा सकता है, जो खतरनाक नहीं है वहाँ पर इस तरह के पीले कपड़े लगाए गए हैं और जहाँ पर खतरनाक घाट है वहाँ लाल कपड़े से घेराबंदी की गई है। हालांकि पटना में जिला प्रशासन ने लोगों को घरों तक गंगा जल पहुँचाने का भी इंतजाम किया है। नगर निगम के जरिए प्रशासन ने लोगों के घरों तक गंगा जल पहुँचाने का प्लान बनाया है। गंगा घाट पर जलस्तर बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए यह भी अपील की गई है कि लोग अपने घरों में अगर व्यवस्था करके छठ करते हैं तो उसमें काफ़ी नगर निगम के द्वारा भी सुविधा दी जा रही है और पानी के टैंकर के माध्यम से गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त पार्कों में कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग दूर घाटों पर नहीं आ सकते हैं उनको नज़दीक में गंगा जल के माध्यम से छठ करने का अवसर मिल सके। आज से चार दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो रहा है, ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन उनके लिए बेहतर इंतजाम करे जिससे वो अपने इष्ट देव सूर्य की उपासना सही तरीके से कर सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।